नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद दत्त बड़ोला और मैं आज लेके आया हूँ आपके पास सर्वग्रहण सर्वनायक श्रृंखला का पाठ संख्या 20 राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। ये इसका जैकेट कवर है और ये इसके अंदर एक पुनः एक दूसरा अच्छा सा कवर है जिसकी वजह से मैंने परचेज किया। ये विष्कन्या इतनी खूबसूरत विष्कन्या होगी तो नागराज तो जहर खाएगा ही ना बार बार। सर्वग्रहण मैंने RCMG की भी सर्वग्रहण ली थी, लेकिन फिर पता चला इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है तो मैंने ये भी ली और डिस्काउंट सेल चल रही थी इसमें। वैसे किसी भी कॉमिक्स को का किसी दूसरे से ये इसमें चेंजेस हुए थे ये सीन। और एक झलक दिखाता हूँ आपको, एक ये सीन चेंज है RCMG में थोड़ा सा। ये इसका बुकमार्क, वैसे किसी का भी कंपेयर किसी से करना उचित नहीं होता है क्योंकि दो चीज़ें या दो इंसान दोनों अलग अलग ही होते हैं। ये इसके मैग्नेट स्टिक और ये क्यूट स्टैंडी चीज के साथ, दो चीज़ें एक सी नहीं हो सकती हैं कभी भी। ये इसका आभार पत्र, ये सब इसके साथ मुझे फ्लैश सेल में गिफ्ट मिले थे, फ्री गिफ्ट आइटम, ट्रेडिंग कार्ड, ये नागराज का मैग्नेट स्टिकर, ये इसके साथ क्यूट स्टैंडी मिली है, ये फ्री गिफ्ट में आया था, और ये ध्रुव का मैग्नेट स्टिकर। ये आभार पत्र मुझे संजय जी का प्रयास बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो कॉमिक से संबंधित जानकारी साझा करते हैं। ये स्क्रैच कार्ड योद्धा का, जैकेट कवर का आर्ट भी बहुत अच्छा है। ये RCMG की कॉमिक्स है और ये RCSG, देखिए दोनों ही अपने आप में ख़ास हैं, उनमें किसी में भी किसी तरह का अंतर नहीं कर सकते हैं या किसी को भी कम नहीं बता सकते हैं किसकी अच्छी है किसकी गलत है। आपको जो पसंद आती है आप वो लीजिए मेरे हिसाब से। ये क्यूट स्टैंडी भी इसके साथ फ्री मिली थी, जो पेपरबैक के साथ है वो कलेक्टर एडिशन के साथ भी फ्री है और प्लस मैग्नेट स्टिकर भी फ्री है। ये वाला ध्रुव वाला जो आप कलेक्टर एडिशन ख़रीदने वालों के लिए प्लस पॉइंट है। ये इसके मैं अंदरूनी कवर की एक झलक दिखाता हूँ आपको, ये कवर आर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये जैकेट कवर होता तो ज़्यादा पसंद आता मुझे। ये इसकी स्पाइन और ये इसकी स्पाइन और ये विष्कन्या, बहुत ज़बरदस्त विष्कन्या बनाई है हेमंत जी ने। आज तो लग रहा है नागराज को मार ही डालेगी जहर छोड़ के, और इतनी खूबसूरत विष्कन्या तो कौन नहीं मरना चाहेगा। ये इसका बुकमार्क, सर्वग्रहण त्रयोदश खंड,
थोड़ी झलक दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। एक सर्व ग्रहण में अपने इंसान जब का डर जब उसके ऊपर हावी हो जाता है तो एक सुपर हीरो भी आम इंसान बन जाता है, और एक आम इंसान जब अपने डर पे हावी हो जाता है तो एक आम इंसान भी सुपर हीरो बन जाता है या सुपर कमांडो ध्रुव बन जाता है। तो क्या सुपर कमांडो ध्रुव अपने डर को डरा पाएगा या डर जाएगा अपने डर से, ये देखेंगे आप सर्व ग्रहण और इसके आगे के पार्ट में। RCSG में कहीं कहीं पे इंकिंग विनोद जी की भी है, जबकि RCMG में सीधे सीधे इंकिंग जगदीश जी की है। इसमें विनोद जी और जगदीश जी की दोनों की इंकिंग दिखाता हूँ मैं आपको। एक पेज उसका, ये RCSG का चित्र है, ये देखिए आप विनोद जी की इंक है और ये RCMG का है चित्र है, यहाँ जगदीश जी की इंकिंग है जो पाठक पहचानते हैं इंकिंग वो देख लेंगे, वो देख सकते हैं। वैसे तो कंपेयर करना है, दोनों ही अलग अलग हैं, किसी की कॉमिक्स कोई किसी की से कम नहीं है, दोनों ही सेम ही कहानी की अनुभूति प्राप्त करवाती हैं। और आप कोई सी भी खरीदिए, आपको दोनों में मज़ा आएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।